आज हम बात करेंगे फाइबर। फाइबर क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या रोल होता है हमारे हेल्थ को सही रखने में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो हम जानते हैं फाइबर के बारे में, फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर फाइबर दो प्रकार के होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर होता है, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। ये दोनों फाइबर का होना हमारे भोजन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जैसे जो भी भोजन हम करते हैं उसके अंदर फाइबर है या नहीं है, ये बहुत रोल प्ले करता है। अगर हम फाइबर हमारे भोजन में कम हो रहा है तो उससे हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हमको फाइबर जो है डेली रूटीन पे कितना लेना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। हम इंडियन को फाइबर जो है डेली रूटीन में 30 से 35 ग्राम फाइबर हमें चाहिए होता है। ये इसलिए क्योंकि हमारे भोजन में जो है बहुत ज़्यादा ऑयली मसाले वाली चीज़ें, चिकनाई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो जिस तरीके से अगर हम अपने भोजन में फाइबर का इंटेक नहीं करेंगे तो हमें डाइजेशन, पेट से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो उसी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हमें अपने भोजन में जो है फाइबर का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि फाइबर जो है हमें कहाँ मिलता है, फाइबर हमें मोटे अनाजों में मिलता है, हरी साग सब्जी उसमें मिलता है फाइबर। जैसे लाइक हम कोई भी चीज़ खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, तो ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जिसके अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। ऐसे हम फाइबर लेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें अपना भोजन में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर हम घर में रोटी बना रहे हैं तो रोटी जो हम खाते हैं उसमें फाइबर तो होता है, लेकिन फाइबर उसमें तब मिलेगा आपको जब उसमें से आप चोकर नहीं निकालेंगे। जो हम आटा गूंथने से पहले जो हम चोकर निकाल देते हैं उसमें ही फाइबर होता है, वो फाइबर हमारा इनसॉल्युबल फाइबर होता है। अब ये फाइबर कैसे वर्क करता है, जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। जैसे सभी को पता है कि सभी लोग ब्रश करते होंगे, घर में साफ़ सफाई होती है। अगर हम अपने घर में झाड़ू डेली ना लगाएं, अगर हम अपने घर में डेली झाड़ू ना लगाएं तो वहाँ गंदगी इकट्ठा होगी। तो इसी तरीके से अगर हम दांत में ब्रश ना लगाएं, डेली हम ब्रश करते वो हमारे दिनचर्या हो गई, अगर हम डेली ब्रश नहीं करते तो हमारे दांत साफ नहीं होते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। तो दांत को साफ करने के लिए ब्रश है, घर की सफाई करने के लिए हम झाड़ू का उपयोग करते हैं, लेकिन जो हमारा आँत है यानी कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसकी सफाई हम कैसे करेंगे। तो उसकी सफाई करने के ही लिए हमको जो है फाइबर का इंटेक करना चाहिए। जो हम फाइबर लेते हैं जो मोटे अनाजों में पाया जाता है, मल्टीग्रेन आटे का उपयोग आप कर सकते हैं। मल्टीग्रेन आटे में जो मोटा अनाज होता है वो थोड़ा खुरदुरा होता है, वो इनसॉल्युबल फाइबर होता है, वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही रखता है। तो इस तरीके से आप अपने खाने में मोटे अनाजों का उपयोग करके फल फ्रूट्स बहुत सारे खीरे सलाद वगैरह सब कुछ आते हैं, इसको अपने डाइट में इंक्लूड करें। जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो उसमें ये ध्यान रहे कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट भोजन में है वो आपका जो है फाइबर के साथ होना चाहिए, तब हम जो कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो हमारे डाइजेशन सिस्टम हमारे बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा, जिससे हमें बहुत बेनिफिट्स होता है। हमारे जो है पेट से जुड़ी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं, गैस बनना ख़त्म हो जाता है, वजन कम करने में अगर वेट लॉस करने की प्रक्रिया में हैं आप तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। वजन कम करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसको जब अच्छे से डाइजेस्ट करता है, उसको क्लीन करता है, वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसको ये बाहर निकलता है। तो इसलिए हमें जो है अपने भोजन में जो है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप करते हुए अपने वेट को लॉस कर सकते हैं, और आगे की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। पीछे की सारी वीडियो में आपके हेल्थ से ही संबंधित जानकारी दी गई हैं, तो आप वहाँ से जो है इसको देख सकते हैं। और आगे बने रहिएगा हमारे चैनल फिट इंडिया से, जिसमें आपको आपके फिट रहने के बारे में बताया जाएगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करें, नंबर आप नोट भी कर सकते हैं 9170656915। इस नंबर पर आप कॉल करके आप अपने वेट जर्निंग को सही कर सकते हैं।